बेरमो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोरापनिया स्थित सुप्रतिम ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप के समीप बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के हाथों विधिवत रूप से पथ प्रमंडल बोकारो द्वारा 1150 किलोमीटर की सड़क का मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बेरमो विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ लागत की योजना का शिलान्यास किया गया। साथ ही बताया कि विधायक बनने के बाद बेरमो में लगभग 300 करोड़ की लागत की विकास योजना का कार्य किया गया। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि अधिक से अधिक विकास योजनाओं को धरातल पर ला सकूं। मौके पर वीरेंद्र सिंह, सुबोध सिंह पवार, अनिरुद्ध सिंह, गुड्डन सिंह, परवेज अख्तर आदि लोग शामिल थे। कंटेनर में फिर खदान में जाके उसको खाली कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं किया हूँ, जितना मेरे से हो रहा है अपने कार्यकाल में मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। 14 करोड़ का रोड आया आप लोग का, आज मैं 20 करोड़ का योजना शिलान्यास कर रहा हूँ। विधायक बनने के बाद अभी तक मेरे को लगता है 300 करोड़ ला चुका हूँ, और लिखित प्रमाण है मेरे पास। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा। आप जरीडी बाजार घुसी है, आप बेरमो स्टेशन से घुसिए रोड बन रहा है, आप नीचे से घुसिए रोड बन रहा है, आप रेलवे लाइन के बगल से घुसिए रोड बन रहा है, आप 4 नंबर से घुसिए रोड बन रहा है, आप संडे जरंडी से घुसिए मंदिर होते हुए उधर से रोड बन रहा है। मैं जरेडी को फाटक फ्री जरेडी बाजार बना दिया, अभी जरेडी बाजार। हम है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।